कुर्बान अपना घर किया और सर कटा लिया, दोनों जहां की मंजिलों को तुमने पा लिया। जन्नत के नौजवानों के सरदार बन गए, तुमने हुसैन दीने पयंबर बचा लिया। बेशक यही बात है, जन्नत के नौजवानों के सरदार बन गए, तुमने हुसैन दीने पयंबर बचा लिया। लेकिन एक शेर और याद आया है कि हुसैन जो इस्लाम पे कुर्बान ना होता तो दुनिया में आज कोई मुसलमान ना होता। इसीलिए कहना है, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का। सरे अकदस चलाने पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने पे जब सिबते पयंबर का। फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का। जो कोई देखता था होश खोता था, जिमी थर्रा रही थी आसमां उस वक्त रोता था, जो अहले बैत थे वो आज इस हालत में जाते थे, बंधे थे हाथ जंजीरों से और आंसू बहाते थे, जमीने करबला में छोड़कर अपने शहीदों को लिए जाती थी अपने साथ ज़ैनब गम रशीदों को, पिसर इब्ने अली के हजरते सज्जाद जाते थे, बंधे वो हाथ जंजीरों से फूफी को दिखाते थे, नबी वो जिसने आजादी अता की दुनिया वालों को, बनाया है कैदी आज उनके नौनिहालों को, किया था कैद चादर और जेवर छीन कर जिनको, नहीं देखा था ना महरम ने हरगिज एक नजर जिनको, वो नंगे सर की ऊंटों पर बंधे थे हाथ उन सबके, ढके थे सर के बालों से सभी फातिन के चेहरे, उमर साद और अफसर सब नहीं फूले समाते थे, वो मजलूमों की आहें सुन के हंसते खिलखिलाते थे, शिमर खूली को हसरत थी बड़ा इनाम पाने की, मगर लश्कर ने की दरख्वास्त कुछ आराम पाने की, करीबे कूफा लश्कर रुक गया ठहरे सभी अफसर, लगाए खेमे एक मैदान में उनमें बिछे बिस्तर, तरसते थे सभी कैदी वहां एक शाम आने को, तरसते थे
बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को, बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को, बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को। के करीब पहुंचकर ये लश्कर एक जगह ठहरता है और मोहम्मद के घराने वाले को आज बिछौना खाक मिट्टी का नसीब हुआ। हुसैन इब्ने अली का सर एक खेमे के बाहर रखा हुआ था, लेकिन वहां एक मोमिना औरत ज़ईफ़ा आती हैं और वो क्या करती हैं, समाप्त कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली का सर रखा था एक खेमे पर, ज़मीन पर रख दिया था ज़ालिमों ने खेमे से बाहर। ज़ईफ़ा एक आई घूमती मैदान के अंदर, सरे अक़दस को देखा तो गिरी फौरन वो गश खा कर। लिया फिर गोद में सर को दिया पेशानी को बोसा, जो सर लाया था खूनी बेखबर खेमे में सोता था। ज़ईफ़ा प्यार करती सर को रोती और कश खाती, वो कहती मेरा बस चलता तो जान दे कर बचा लाती। तभी एक शख्स आया और हटाया उस ज़ईफ़ा को, रही मैदान में क्या जुस्तजू थी उस अफीफा को। अचानक रोने की आवाज सुनकर वो इधर आई, जिधर बेचैन थी कैदी बनी शब्बर की माँ जाई। वो बुढ़िया पास पहुंची रोई ज़ैनब से गले मिलकर, कहा हसनैन की तुम कौन हो ऐ बेकसो मुज़्तर, तुम्हारे चेहरे पे है नूर आका के घराने का। मुझे याद आ रहा है दौर एक गुजरे जमाने का, मैं बीबी फातिमा के घर में थी जब खादिमा उनकी, तो उनकी गोद में थी एक बेटी रश्के में उनकी। उसी की शक्ल से बेटी तुम्हारी शक्ल मिलती है, खिलाया करती थी मैं गोद में वो याद आती है। उसी के भाई का सर जब ने से पे देखा है, भाई का सर आज जब ने से पे देखा है, उसी के भाई का सर आज जब ने से पे देखा है। जिगर टुकड़े हुआ है रंग जो गम से दिल शकस्ता है, जिगर टुकड़े हुआ है रंग जो गम से दिल शकस्ता है, जिगर टुकड़े हुआ है रंग जो गम से दिल शकस्ता है। आपके सरे मुबारक को देखकर आपकी पेशानी का बोसा लेती है, अचानक रोने की आवाज सुनकर वो उधर गई जहां से आवाज आ रही थी। देखा कि हजरत ज़ैनब रो रही हैं,
वो बुढ़िया हजरत ज़ैनब के पास जाकर पूछती है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं जब बचपन में फातिमा के यहाँ खादिमा थी तो उनकी गोद में एक छोटी सी बेटी थी। बेटी, तुम्हारी शक्ल उससे मिल रही है, सच सच बताओ कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? ये सुनकर आगे क्या होता है समाज फरमाइए। बताओ तो जरा ये क्या हुआ, तुम किसकी बेटी हो? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता है तुम जब के रोती हो। कहा रो कर ये ज़ैनब ने वतन से अब जुदा हूँ मैं, के हजरत फातिमा ज़हरा की अदना खादिमा हूँ मैं। ज़ईफ़ा ने कहा मैं शहद लाई हूँ इसे ले लो, अगर मंजूर कर लो तुम तो मेरा पार बेड़ा हो। लिए बैठी थी मैं दोपहर से सर अपने मौला का, हुसैन इब्ने अली से मिलता है बेटी तेरा चेहरा। मुझे तू सच बता बेटी, तू मेरी आकाजादी है? यकीन आता नहीं मुझसे, हकीकत क्यों छुपाती है? कहा ज़ैनब ने तुम परदेस में ये शहद लाई हो, कबूल सुको मैं करती हूँ तुम्हें हासिल भलाई हो। मैं बेटी फातिमा की हूँ, चमन सब लुट गया मेरा, के भूखा और प्यासा करबला में कट गया कुनबा। ये सुनकर वो ज़ईफ़ा फिर सरे अक़दस उठा लाई, लिपट कर हजरत ज़ैनब से रोई और चिल्लाई। गिरी कदमों पे ज़ैनब के, वो सर था उसके सीने पर, लगाया नारा उसने या हुसैन इब्ने अली हैदर। वो अपनी जान लेकर आई थी ज़ैनब की खिदमत में, जुदा होकर तने अतहर से पहुंची रूह जन्नत में। ज़ईफ़ा ने जो देखा ज़ुल्म ये सहरा के लालों पर, थी अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर, अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर, थी अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर। ज़ईफ़ा ने जो देखा जुल्म ये ज़हरा के लालों पर, वो थी अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर। ये रोने की आवाज सुनकर खुली जाग जाता है और फिर वहां आ जाता है जहां ये लोग आहोबुका कर रहे थे। उसके बाद ये सरे मुबारक फिर कहां जाता है, समाप्त कीजिएगा हजरात। सदा रोने की सुनकर उस तरफ खुली चला आया, सरे अक़दस को छीना और फिर खेमे पे जा पहुंचा। वहीं एक पास में था गिरजा घर, राहब निगेबा था, इबादत वो किया करता था उसमें ना मुसलमा था। हुई जब रात तो लश्कर की जानिब वो चला आया, सरे अक़दस हुसैन इब्ने अली का एक जगह पाया।
कहा कूली से उसने रात भर को सर हमें दे दो, तुम्हें दीनार देंगे 10,000 इसमें ना शक समझो। वो था दौलत का भूखा दे दिया सर उसने राहब को, के लालच ने उसे अंधा किया भूला वो मजहब को। वो राहब ले गया गिरजा में सर सच्ची अकीदत से, बसाया इत्र की खुशबू में रो रो कर मोहब्बत से, रखा गिरजा में उसने वो सरे अकदस बुलंदी पर। मुकद्दर हो रहा था उसका नाजा होश मंदी पर, अदब से दस्त बस्ता देखता था वो खड़े होकर। जो गुजरी रात आधी तो नजर आया अजब मंजर, जब वो चर्च का पादरी हजरत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को खूली से ले जाता है, तो जब आधी रात हुई तो उस पादरी ने क्या देखा उस चर्च के अंदर जो सरे मुबारक रखा हुआ था हजरत इमाम अली मकाम का, उससे एकदम रोशनी निकलती है, रोशनी से वो गिरजा घर की इमारत जगमगा उठती है। और आगे क्या होता है सुनिएगा। सारे अकदस से निकला नूर जिसकी रोशनी फैली, जिया से गिरजा घर की सब इमारत जगमगा उठी। कहा राहब ने ऐ इब्ने अली तुम अब भी जिंदा हो, नवासे हो मोहम्मद के खुदा के नेक बंदा हो। कबा रहना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का, रहना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का, कबा रहना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का। ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का, ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का, ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का। देखिए एक पादरी की अकीदत, जब वो देखता है कि सरे अकदस से नूर की किरणें निकल रही हैं और जिन किरणों से गिरजाघर की सारी इमारत जगमगा उठी है, तो वो गिरजाघर का पादरी राहब बेसाख्ता कहता है कि ए इब्ने अली तुम अब भी जिंदा हो और तुम मोहम्मद के नवासे खुदा के नेक बंदे हो, आप गवाह रहना मैं आपके जग का कलमा पढ़ता हूँ। और ये कहकर उस पादरी ने हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाज फरमाइए। अकीदत से सरे अकदस का नजारा किया शबर, किया शुक्रे खुदा के मिल गया ईमान तू फैले सर। सारे अकदस ने मेरी खूब तरीये रहनुमाई की, के मंजिल आज पाई मैंने दीने मुस्तफाई की। सहर को आया खूली तो सारे अकदस दिया उसको, फिर हम भी 10,000 उसको दिए तय कर दिए थे। जो गया फूली जो देखा रहा हमें ठिकरी बने दिरहम, हुआ ये देख कर फूली को हैरत और बेहद गम।
वो लश्कर शहरे कूफा में हुआ दाखिल दिलेरी से। यजीदी सल्तनत के गूंजते थे शहर में नारे, मगर कुछ लोग अहले बैत को देखा बहुत रोए। कहा अहले मदीना करबला में जान से खोए, कहा ज़ैनब ने करके कत्ल सबको आज रोते हो। तुम ही मल्लाह बनते हो, तुम ही कश्ती डुबोते हो। तुम्ही ने कत्ल के पहले बुलाया मेरे भाई को, किया फिर कत्ल सारे काफले को मेरे भाई को। अभी क्या जिंदगी भर रोगे आंसू बहाओगे, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे। सरे शब्बीर लेकर खूली जिस दम रात में पहुंचा, वो सर खूली ने अपने घर में एक तंबूर में रखा। गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया खूली मकाम में और फिर आराम से सोया। सरे अकदस से निकला नूर सुए आसमा पहुंचा, सरे अकदस से निकला नूर सुए आसमा पहुंचा, सरे अकदस से निकला नूर सुए आसमा पहुंचा। सर लेकर जब अपने घर में पहुंचता है तो रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं सुबह को इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाऊंगा और इनाम और इकराम पाऊंगा। लेकिन अब इधर खुली आपका सरे मुबारक अपने घर के एक तंबूर में रखकर आराम से सोता है। लेकिन रात को जब उसकी बीवी तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है तो वो क्या देखती है, समाज फरमाइए। तहज्जुद पढ़ने को खुली की बीवी जिस घड़ी उठी, गई जब सहन में तंबूर की वो रोशनी देखी। वो बोली के जलाया तो नहीं फिर रोशनी कैसी, गई तंबूर पर तो सर से निकली वो ज़िया देखी। नजर आई वहां फिर औरतें चार उसको नूरानी, उन्हें देखा तो एकदम हो गई बेहोश बेचारी थी। उनमें एक बीवी रो रही थी और कहती थी, कयामत में मैं अपने लाल का बदला चुका लूंगी। सदा ये गैब से आई परेशान तुम हो क्यों बीवी, सजा शौहर तुम्हारा पाएगा कातिल है जो खूली। ये सुनकर होश आया उठ के बैठी फिर गई अंदर, जगाया जाके शौहर को कहा लाया है किसका सर। तू कहता था कि एक बागी का सर मैं काट कर लाया, अरे जालिम वो सर है मुस्तफा के एक नवासे का। अभी हजरत खदीजा फातिमा जहरा थी मातम में, थी मरियम आसिया खातून दोनों गम के आलम में। अरे जालिम मैं तेरे घर में दम भर रह नहीं सकती,
मैं तेरे साथ अब कहरे इलाही सह नहीं सकती। कहा हुली ने बच्चों का तो दिल में ख्याल कुछ लाओ, मेरा बर्बाद हो जाएगा घर मत छोड़ कर जाओ। कहा उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया। कहा सुने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया। कुली की बीवी जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है और इमाम अली मकाम के सर से रोशनी निकलती हुई देखती है, वहां कुछ औरतें भी थी, तो वो अपने शौहर को जगाकर पूछती है कि ऐ जालिम, तू तो कहता था कि मैं किसी बागी का सर काट कर लाया हूं, लेकिन ये तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक है। ऐ जालिम, अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। ये कहकर कुली की बीवी वहां से चली जाती है, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। तेरा बर्बाद घर हो या तेरे बच्चे कहीं जाएं, बलाएं ऐसी आ जाएं कि तुझ जालिम को निबटाएं। ये कहकर ओढ़ी चादर और वो घर से निकल आई, वो फूली पीछे दौड़ाती खुशामद वो नहीं लौटी। निकल कर रात में बस्ती से बाहर वो कहाँ पहुंची, किसी को भी पता उसका न चल पाया बहुत ढूंढी। वो फूली सर उठा कर ले गया दरबार में घर से, गया इब्ने ज़ियाद सुदम था बैठा सामने उसके, वो कैदी औरतें बच्चे सभी सरकार के घर के, किए सब पेश उस दरबार में एकदम मैं सर के। हुआ खुश देख कर इब्ने ज़ियाद उस सर को रखवाया, छड़ी से छू के दहने पाक फिर मरदूद ये बोला के इस मुंह से जो बैत करते तो ये हाल ना होता। कबीला करबला में आके यूं पामाल ना होता। सहाबी वहां मौजूद थे, गुस्सा उन्हें आया, कहा ओ बेअदब गुस्ताख तूने कुछ नहीं जाना, तू जिस मुंह को छड़ी से छेड़ता है मैंने देखा है। नबी पाक ने अक्सर ये मुंह उल्फत से चूमा है। वो बोला तुम सहाबी हो नबी के छोड़ देता हूँ, तुम्हें मालूम है गुस्ताखती मैं जान लेता हूँ। कुछ अदब करता है
जब करता तो उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता, उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता, उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता। सरे मुबारक बूली ने जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया तो वो मर्दूद इब्ने ज़ियाद हजरत इमाम अली मकाम के होठों को छड़ी लगाकर कहता है कि अगर तुम बैत कर लेते तो करबला में इस तरीके से कबीला कुर्बान क्यों होता। लेकिन उस दरबार में हजरत ज़ैद बिन अरकम जो सहाबी रसूल थे मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि ऐ मर्दूद तुझे मालूम नहीं जिस छड़ी से तू ये होंठ छू रहा है मैंने देखा है नबी पाक इस जगह बोसा लिया करते थे होंठों का और गले का। ये कहकर वो सहाबी रसूल उस दरबार से उठ जाते हैं और आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। ये कहकर उठ गए फौरन सहाबी ज़ैद बिन अरकम, तुम्हें गारत करे ऐ कूफियों को काहिरे आजम, हुआ कूफे से मुल्के शाम की जानिब रवा लश्कर, गया खूली वो सर लेके सभी थी आले पैगंबर, करीबे शहर मामूरा जो पहुंचा उमरू का लश्कर, वहां का एक हाकिम था यहूदी सो रहा था घर, नजर आए उसे जब ख्वाब में मूसा नबी मुज़्ज़र, कहा उसने के ऐ आका परेशान आप हैं क्यों कर, ये फरमाया कलीमुल्लाह ने करबल में गम टूटा, सितमगारों ने बीबी फातिमा ज़हरा का घर लूटा, यजीदी फौज ने हजरत मोहम्मद के नवासे को किया है कत्ल बेदर्दी से भूखे और प्यासों को, सरे अक़दस सुबह तेरे शहर से उनका गुजरेगा, हुसैन इब्ने अली की एक लौंडी पहुंचे तो कहना, तुम्हारी जो भी खिदमत हो बजा लाऊंगा फरमाओ, सरे अक़दस को फिर मेरा सलाम खास पहुंचाओ। यहूदी ने कहा हजरत मोहम्मद भी पैगंबर हैं, तो फरमाया नबी मूसा ने वो हम सबसे बढ़कर हैं, मोहम्मद मुस्तफा पर जो बशर ईमाना लाएगा न मानेगा उन्हें जो कोई वो दो जख्म में जाएगा, जो है शब्बीर की आजाद करदा लौंडी शीरी है, वो अपने आका की सुनकर शहादत आज गम की है। सुनो अब हाल अहले बैत का के गम में घेरा था, अब हाल अहले बैत का के गम में घेरा था, सुनो अब हाल अहले बैत का के गम ने घेरा था, के गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था, के गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था, के गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था। Thank you.
حضرت امام علی مقام کا سر مبارک جب شہر مامورہ سے گزر رہا تھا تو وہاں کا جو حاکم تھا وہ ایک یہودی تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس یہودی کو خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ یہاں سے حضرت امام علی مقام کا سر گزرے گا صبح تیرے شہر سے۔ جب وہ سر یہاں سے گزرے تو ان کی ایک لونڈی جو شیری نام کی ہے وہ بہت غمگین ہے، وہ یہاں آئے گی اور جب وہ سر یہاں سے گزرے تو تو میرا سلام حضرت امام علی مقام کے سر مبارک سے کہنا۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیے گا حضرات۔ رکا جب قافلہ ان کا پہاڑی کے کنارے پر تو شیری نے کہا زینب سے میرے پاس ہے زیور، اجازت دو کہ اس کو بیچ کر میں کپڑے لے آؤں، تمہارے گھر کی لونڈی ہوں میں یہ خدمت بجا لاؤں۔ کیا انکار زینب نے تو رو رو کر کہا اس نے، تمہیں اس حال میں دیکھا رہا جاتا نہیں مجھ سے، تمہارے گھر کی ہوں میں خادمہ آزاد کرتا ہوں، بڑے احسان ہے آقا کے مجھ پر میں حقیرہ ہوں، میری چھوٹی سی خدمت آپ جو مقبول فرمائیں تو شاید اس وسیلے سے گناہ سب میرے دھل جائیں، میری تسکین کی خاطر گزارش مان لو میری، میں زیور بیچ کر کپڑے ابھی لے آتی ہوں بی بی۔ بہت روئی وہ منت کی تو زینب نے کہا جاؤ، تمہاری بات ہم نے مان لی رو نہ گھبراؤ۔ یہ سن کر شیری پہنچی شہر مامورہ کے اس در پر جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے اس شہر کے اندر، وہاں دیکھا کہ دروازہ نہیں کھولا گیا اب تک، اسی دروازے پہ شیری نے دی ایک زور سے دستک، صدا آئی کہ شیری آ گیا میں کھولتا ہوں در۔ سنا جب نام اپنا ایک دم شیری ہوئی ششدر، یہاں اس شہر میں ہے کون میرا جاننے والا، اس شہر میں ہے کون میرا جاننے والا، یہاں اس شہر میں ہے کون میرا جاننے والا۔ بنا دیکھے مجھے آواز سے پہچاننے والا، بنا دیکھے مجھے آواز سے پہچاننے والا، بنا دیکھے مجھے آواز سے پہچاننے والا۔ شیری شہر مامورا کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازہ ابھی بند تھا، شہر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس نے ایک دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے کہ میں آ رہا ہوں دروازہ کھولنے۔ شیری شیری جو امام علی مقام کی کلونڈی تھی یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ میری آواز سے میرا نام یہ کیسے پہچان لیا، کون ہے۔ جب وہ یہودی دروازہ کھول کر باہر آتا ہے تو اس نے بتایا کہ رات موسیٰ کلیم اللہ خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا سماعت کیجیے گا۔ عزیز آیا یہودی کھول کر دروازہ جب باہر،
कहा शीरी ने मुझको जानते हो तुम भला क्यों कर। यहूदी ने सुनाया ख्वाब का सब माजरा अपना, तुम्हारे पास मुझको हजरत मूसा ने है भेजा। बहुत सामान और कपड़े दिए शीरी को समझा कर, उदाया साथ में उस जा जहां शब्बीर का था सर। वो बातें ख्वाब की कहकर कहा ज़ैनब से ये सामा, ये लाए हैं इन्हें मूसा पैगंबर ने दिया फरमा। यहूदी जब सरे शब्बीर की ज़ियारत को पास आया, सलाम सुने जनाबे मूसा पैगंबर का पहुंचाया। सलामे मूसा का फौरन जवाब उस सर से था आया, ये सर का देख कर रुतबा यहूदी पर असर छाया। नजर आया सरे शब्बीर में जलवा मोहम्मद का, यहूदी ने खुशी से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। करामाते सरे अकदस ने हिम्मत दी बंधा सबको, तसल्ली हो गई फिर शहरबानों और ज़ैनब को। यहूदी हो गया मोमिन मुबारकबाद दी सबने, तो नजराना भी उसका कर लिया मंजूर ज़ैनब ने। सभी को कपड़े थे कुछ और भी खाने का सामान था, वहां अल्लाह ने भेजा जहां सूना बयाबा था। जरा देखे तो कोई मर्तबा सिबते पैगंबर का, देखे तो कोई मर्तबा सिबते पैगंबर का, जरा देखे तो कोई मर्तबा सिबते पैगंबर का, जनाबे हजरत मूसा पैगंबर का सलाम आया। जनाबे हजरत मूसा पैगंबर का सलाम आया, जनाबे हजरत मूसा पैगंबर का सलाम आया। देखे तो कोई मर्तबा सिफ्ते पैगंबर का, जनाबे हजरते मूसा पैगंबर का सलाम आया। हजरात इस वक्त आप शीरी का वाकया सुन रहे हैं। ये शीरी कौन थी? हजरते इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो, जो शहनशाह ईरान की दुख्तर थी। जब शादी होकर आई थी तो ये शीरी उनके साथ लौंडी बनकर आई थी, लेकिन हजरत इमाम आली मकाम ने शीरी को आज़ाद कर दिया था। जब इसने शहादत की खबर सुनी थी इमाम आली मकाम की, तभी से ये बेचैन हो गई थी। आगे इस बंद में आप शीरी का कुछ और वाकया समाप्त फरमाइएगा। सुनो शीरी हुसैन बुने अली की एक कनीज़त थी, शहे ईरान की बेटी के वो हमराह आई थी। शहे ईरान की दुख्तर थी जो के शहर बानो थी, हुसैन बुने अली के अक्द में किस्मत से आई थी। हुसैन बुने अली ने शीरी को आजाद फरमाया, शहादत हो गई उनकी तो शीरी को मला लाया। अजीजे शहर मोमिन हो गया फरमाया आबिद ने, अजीजे शहर से शीरी का इस दम अक्द हो जाए। कहा शीरी ने मैं सबसे जुदा होना ना चाहूंगी, नबी की आल जैसे लोग
दुनिया में ना पाऊंगी। मेरी चाहत है ये आका, तमन्ना है यही मेरी, मैं इस घर के किसी बच्चे का भी फरमाना टालूंगी। उसे जब शहरबानों ने किया मजबूर तो मानी, हुआ फिर अक्द दोनों का, करामत ये भी थी सर की। वो यहूदी जो मुसलमान हो गया था, सबके कहने से शीरी का निकाह उस यहूदी के साथ होता है। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा जनाब। अजीजे शहर के हमराह जब रुखसत हुई उसकी, तो शीरी सबसे मिल मिल के बहुत रोती थी बेचारी। गई शीरी उधर को काफले ने कूच फरमाया, जुदा शीरी हुई तो रंज से दिल सबका भर आया। सारे अकदस लिए जाता था खूनी अपने नेजे पर, समझता था ये अपना कारनामा फौज से बढ़कर। सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था, सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था, सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था। करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था, करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था, करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था। जब हजरत इमाम अली मकाम का सरे मुबारक शहर बुहरान पहुंचता है, तो वहां याहिया नाम का एक यहूदी सर को देखकर कूली से क्या कहता है समाप्त कीजिएगा। चला जाता था लश्कर दूसरी जानिब दिलेरी से, थकावट दूर करने को ठहरता सबकी मर्जी से। ये लश्कर चलते चलते जिस घड़ी बुहरान जा पहुंचा, था याहिया नाम का उस जा यहूदी, उसने सर देखा। कहा उसने ये फूली से, ये सर किसका है नेजे पर, बताया उसको फूली ने हुसैन बुने अली का सर। कहा याहिया ने तुम कैसे मुसलमान हो, नहीं गैरत के अपने ही नबी की आल पर ये जुल्म की शिद्दत। ये सुनकर भूली का एक आदमी तलवार चमका कर, बढ़ा आगे किया एक जोर से हमला यहूदी पर। यहूदी ने बचा कर वार उसकी काट दी गर्दन। ये हालत देख कर याहिया पे दौड़े एकदम दुश्मन। यहूदी बोला तुमने आले पैगंबर का सर काटा, तुम्हें इस जुल्म का बदला दिए हरगिज ना मानूंगा। लड़ाई छिड़ गई याहिया ने जौहर अपने दिखलाए, यजीदी चार फौजी उसने अपनी तेग से मारे। हजारों में घिरा तन्हा शहादत पाई उसने भी, गए मारे यजीदी पांच और काफी हुए जख्मी। मजार सुजा बना याहिया का सब जाने लगे उस पर, शहीद आया लगे कहने दिया आका पे उसने सर। खुदा जाने के उसकी होगी बख्शिश या नहीं होगी,
वहाँ जो मांगता है जाके मन्नत होती है पूरी। मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना, मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना, मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना। खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा, खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा, खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा। शहादत वॉल्यूम 5 का आखिरी बंद आप हजरत की नजर कर रहा हूं, जिस कैसेट में आपने हजरत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक की करामात देखी और एक मोमिना औरत और शीरी का वाकया सुना। आखिर में ये सरे मुबारक कहा जाता है आखिरी बंद में, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं सुनिए। वो लश्कर बढ़ गया आगे तो मोसल शहर तक पहुंचा, उसे उस शहर में घुसने से अहले शहर ने रोका, कहा आले नबी के कातिलों के हम ना देखेंगे, कहीं बाहर रुके हम शहर में आने नहीं देंगे। रुका लश्कर वो बाहर शहर से ऊंची पहाड़ी पर, वहां फूली ने एक पत्थर के ऊपर रख दिया वो सर, वो पत्थर रात भर में खून में डूबा हुआ पाया, वहां सब लोग ज़ियारत के लिए पहुंचे लगा मेला, वहां फिर एक मुद्दत तक जियारत गा रहा पत्थर, वहां सब लोग आकर फातहा पढ़ते थे रो रो कर, हुआ अब्दुल मलिक जब बादशाह मरवान का बेटा, तो उस पत्थर को उठवा कर कहीं उसने छुपा डाला, वही मरवान जिसने उम्र भर फितने उठाए थे, इसी जालिम की शह पर कूफियों ने जुल्म ढाए थे, यजीदी मिट गए नामो निशान उनका नहीं बाकी, मगर आले नबी ने सर कटा कर जिंदगी पाली, हुसैन इब्ने अली का दो जहां में नाम जिंदा है, वो खुद जिंदा है उनके नाम से इस्लाम जिंदा है। जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में
में शौक हर सुबह बजता है रंग का मोहम्मद का।